एक जनवरी को कटरा माता वैष्णो देवी जी के भवन पर क्या हुआ वो आप सब बाखूबी जानते हैं, और किस तरह से वहां पर स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ मचने की वजह से 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग जिसमें जख्मी हो गए। लेकिन क्या सवालों का सिलसिला इतना ही है, और क्या एक भगदड़ के रूप में ही इसे देखा जाए, और क्या इसमें कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी आप सब लोग तलाश रहे हैं, और आखिरकार एक जनवरी को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और 12 लोगों को जो कि दर्शन करने पहुंचे थे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस बीच, इस सारे मामले के बीच, एक जनवरी से लेकर अभी तक हो क्या रहा है ये समझना ज़रूरी है। इस समय विपक्ष और सरकार, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर और दूसरी तरफ ओपोजिशन, इस समय केवल ये हो रहा है कि ओपोजिशन किस तरह से इस समय खामियां निकालती हुई नज़र आ रही है सरकार की, और सरकार किस तरह से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सही ढंग से काम नहीं कर पाई है, जो एक बड़ा फेलियर रहा है, उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। सवाल केवल यहाँ पर दो हैं, और छुपाया किस तरीके से जा रहा है, और जो गलतियाँ हुई हैं उस पर पर्दा किस तरह से डाला जा रहा है, और विपक्ष किस तरह से पुराने घाव जो हैं, पहले ऐसा अगर कभी हो चुका है तो उसको किस तरह से निकाल कर सामने ला रहा है, इन सब पर बातचीत करेंगे और आपको एक संपूर्ण जानकारी देंगे। और कुछ सवाल जो ऐसे हैं जो अभी भी मन में खटक रहे हैं इस पूरे स्टैम्पेड को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे, और अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पर क्या कुछ लगता है और आपकी अपनी निजी राय क्या है। उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। आपको बता दें कि हाई लेवल पैनल सेट किया गया है, विद इन एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, और जिसमें ये बताना होगा कि आखिरकार कारण क्या रहा है इस पूरे स्टैम्पेड का, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी इसमें होंगे, और साथ ही साथ इस कमेटी में जम्मू डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी होंगे और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह होंगे, और एक हफ्ते के भीतर ये पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जहां श्राइन बोर्ड की बात की जाए तो उनकी ओर से एक स्टेटमेंट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये दो गुटों के दौरान जो है ये उनकी आपसी लड़ाई होने की वजह से जो है स्टैम्पेड हुआ। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जानकारी क्या दी गई है, उनकी तरफ से भी ये बताया गया है कि 35,000 यात्रियों के लिए इजाजत दी गई थी कि 35,000 जो इसमें यात्रु हैं वो आ सकते हैं, और जहां आपको बता दें कि 50,000 की कैपेसिटी है, और COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया था कि 35,000 लोग जो हैं वो यात्रा के लिए आ सकते हैं। लेकिन वो 35,000 लोग किस रूप में यात्रा करने के लिए आए थे वो भी आपको अंत में ज़रूर दिखाएंगे, वो वीडियो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि वो दिखाना भी ज़रूरी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि रात के 2:15 के आसपास 1 जनवरी को गेट नंबर 3 पर ये पूरा मामला जो है ये वहां से सामने आया है, और जिसमें आप ये बाखूबी जानते हैं कि 12 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग जिसमें जख्मी भी हो चुके हैं। इसी बीच आज LG मनोज सिन्हा जी की तरफ से ट्वीट करके ये भी कहा गया है कि 100% बुकिंग जो है वो करवाई जाए यात्रियों के लिए जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर भी जारी किया गया है, एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि क्या लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का भी कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन साझा करना चाहता है इस पूरे मामले को लेकर सरकार के साथ, जो कोई अगर अपनी स्टेटमेंट देना चाहता है या फिर किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके फोन नंबर दिए गए हैं और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी दी गई है, और जिसका समय जो है 11 बजे से लेके 1 बजे का बताया गया है, और ये पूरी बात जो है वो कही गई है डिविजनल कमिश्नर द्वारा। लेकिन इसमें अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये सारी सियासत का माहौल अब क्यों बन चुका है, अब कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही है इस पूरे स्टैम्पेड के दौरान,
और सियासत में 1954 का कुंभ मेला याद करवाया जा रहा है। इस समय आप जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में है और 1954 में, जबकि आज़ादी के बाद जो है पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बने थे, और उस समय भी कुंभ मेले के दौरान इसी तरीके का स्टैम्पेड देखने को मिला था, और जिस समय 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि नेशनल टीवी पर आप डिबेट देख रहे हैं, डिबेट्स का सिलसिला जारी है और जिसमें एक दूसरे को कोसने के अलावा और कुछ यहाँ पर विकल्प इनके पास नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। और 1954 का कुंभ मेला याद करवाया जा रहा है जब 800 से ज़्यादा लोग इसी प्रकार के स्टैम्पेड में अपनी जान गंवा चुके थे और उसके बाद वहाँ पर भी हालात ख़राब हो चुके थे और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके थे। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है, पहले 10 लाख रुपए का था अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसका जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। लेकिन कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना होता है तो फौरन आपका एक चालान काट लिया जाता है और जिसके बदले में आपको 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 500 रुपये तक की रकम भी भरनी पड़ती है। लेकिन जिस दौरान ये स्टैम्पेड हुआ, उस दौरान वहाँ की भीड़ में जितने भी लोग एकत्रित थे, जितने भी लोग जमा थे, कितने लोगों ने वहाँ पर मास्क पहना था, इस चीज़ का जवाब इस समय जनता मांग रही है। और दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, आखिरकार वहाँ पर कितनी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई जा रही थी। आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। ये 10 सेकंड की वीडियो काफ़ी है एडमिनिस्ट्रेशन को उनका आईना दिखाने के लिए कि आप आम जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करके उनकी जेब काट लेते हैं, आप उन्हें चालान कर देते हैं मास्क ना पहनने के लिए, और जिस समय COVID-19 था उस समय सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना करने के लिए। हालांकि अभी भी कोविड जो है वो चरण पर नज़र आ रहा है, कई जगहों पर COVID-19 का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या कटरा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से अपना पूरी जो है, ये देख सकते हैं, ये वीडियो है, ये 10 सेकंड का वीडियो काफ़ी है, क्या ये अरेंजमेंट थे कटरा एडमिनिस्ट्रेशन के यात्रा करवाने के लिए? और ये वीडियो बिल्कुल काफ़ी है जो कि 10 सेकंड की वीडियो है एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह करने के लिए कि आखिरकार इतने लोग और इस तरह से लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको इसमें नज़र नहीं आएगी, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चालान बहुत आसान है करना, जिस समय आप बाज़ार में एक गाड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं और जब लोग गुजरते हैं तो उनकी जेब काटना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब इस तरह की उच्च स्तर की चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं तो उस समय आप क्यों विफल हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब हर एक व्यक्ति इस समय जानना चाहता है, जिसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी शायद ही होगा। एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से कुछ देर पहले जो ट्वीट किया गया है कि 100% अब ऑनलाइन बुकिंग होगी दर्शन के लिए, तो एक सवाल और यहां पर खड़ा होता है कि क्या इससे पहले 100% ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही थी? और जिस तरह से आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ रही थी और मास्क तक नहीं पहना गया था, और ये अरेंजमेंट्स बताते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, तीसरा सवाल बल्कि ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतने बड़े धार्मिक स्थल पर अगर दो गुटों के बीच में फसाद पैदा होने जैसी स्थिति बन रही थी तो क्या आपके पास उतनी सीमा में पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं थे जो इन लोगों को काबू कर पाते? क्या आपके पास उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं थे? बल्कि जहां आप ये जानते हैं कि नए साल के मौके पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और आखिरी सवाल ये है कि हमारे देश में जब भी किसी प्रकार की भी कोई घटना होती है, ख़ास तौर पर ये घटना जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या इसे 1954 के कुंभ मेले के साथ जोड़ना
सही है, क्योंकि इस समय सियासी रोटियां जो हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज सेकने की कोशिश कर रही हैं एक ऐसे इंसिडेंट को लेकर जो कि अनएक्सपेक्टेड था और जो कि नेचुरल था, लेकिन दो गुटों के बीच में जिस तरह से अगर ये सब फसाद पैदा हुआ और उसके बाद ये सब स्थिति बनी, तो सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पर तो खड़े होंगे कि आपके पास क्या उस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, क्या उस प्रकार के अरेंजमेंट्स नहीं थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर जो लीडरशिप चल रही है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास अगर सवालों के जवाब नहीं है तो वो तो एक फेलियर है ही, लेकिन अपोजिशन का क्या इस पूरे स्टैम्पेड को 1954 के कुंभ मेले के साथ जोड़ा जाए जहां पर 800 लोगों की मौत हो गई थी। तो क्या ये तुलना किस हद तक आपको सही लगती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिरकार ये जो भी स्थिति बनी है और जितने भी लोगों की इसमें मौत हुई है, इनकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा और किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1। फिर मिलेंगे किसी नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।